अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युदलिलहु फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अज़ीज़ तालिबात और काबिल एहतराम वालिदैन, इस मौके से शशमाई इम्तिहान के नताइज और तालिबात और मुअल्लिमात और असातिज़ा की मेहनतों के मुजाहरे के मौके पर दो बातें मुझे अर्ज़ करनी हैं। पहली बात वालिदैन से भी है और तालिबात से भी है, दूसरी बात सिर्फ तालिबात से मुतालिक रहेगी। वालिदैन से और तालिबात से मुश्तरका जो बात है उनमें चंद नुकात ज़िक्र करना मकसूद है। पहली बात उन नुकात में से ये है कि वालिदैन के दिल में भी और तालिबात के दिल में भी इल्मे दीन की कदर और अज़मत बहुत ज़रूरी है। दीनी तालीम हासिल करना या दीनी तालीम हासिल करने पर बच्चों को बच्चियों को मुतवज्जह कराना समाज की मजबूरी की वजह से ना हो, गुरबत की वजह से ना हो, या इस इल्म को रिश्तों नातों में इस्तेमाल करने की गर्ज से ना हो, यह इल्म फ़ी नफ्सी ही अपनी जगह पर अजमत और अहमियत रखता है। इस इल्म का दीनी फ़ायदा, इस इल्म का दुनियावी फ़ायदा दोनों कुरान हदीस से साबित हैं। उन्हीं फ़वाइद के पेश नज़र किया जाता है, वो इखलास में दाखिल है। दुनियावी फ़ायदा क्या है इस इल्म का? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो फ़रमाया कि अगर अल्लाह ताला किसी को दो बेटियां दे दे और उनकी सही तालीम दे, उनकी सही तरबियत करे, अच्छा नाम रखे, अच्छी जगह उनका निकाह करके दे, तो हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कानत लहू मनातन व सितरतम मिनन्नार व सितरम मिनन्नार, कि ये बेटी कल क़ियामत के दिन वालिदैन को जहन्नम से बचाने का ज़रिया बन जाती है। ये उखरवी फ़ायदा है कि कल ये बच्चियाँ जिन्हें तालीम दी गई है, जैसे मर्दों के बारे में फरमाया कि लड़के को अगर हाफिज़ बनाया जाएगा, आलिम बनाया जाएगा, तो ये लड़का कल क़ियामत के दिन अपने वालिदैन की हो या रिश्तेदारों की हो शफ़ात का ज़रिया बनेगा, जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेगा। बिल्कुल इसी तरह लड़कियों की तालीम के बारे में भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इनकी सही तालीम होगी तो ये भी जहन्नम से रुकावट का ज़रिया बनेंगी। बल्कि उलमा ने यह भी लिखा है कि जिन फ़ज़ाइल में लड़कों के आलिम हाफिज़ होने की वजह से शफ़ात का हक़ हासिल होगा, ऐन मुमकिन है कि लड़कियां आलिमा हाफिज़ा बनती हों तो उन्हें भी अल्लाह ताला शफ़ात का हक़ हासिल दें, शफ़ात का हक़ अल्लाह ताला उन्हें भी अता करें। तो उखरवी फ़ायदा भी पेश नज़र हो। दुनियावी फ़ायदा क्या है? दुनियावी फ़ायदा ये है कि अगर एक बेटी को अपने वालिदैन के हक़ में फरमाबरदार बेटी बनी देखना चाहते हैं, एक बीवी अपने शोहर के हक़ में फरमाबरदार बीवी बनना चाहती हो, माँ बाप अपने बच्चों के हक़ में हुकूक़ अदा करने वाले शफ़ीक़ और मेहरबान माँ बाप बनना चाहते हों, बहन अपने भाइयों से हुस्न सलूक बरतना चाहती हो, पड़ोसन अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न मुआशरत अपनाना चाहती हो,
तो फिर उसके लिए इन तमाम रिश्तों में खौफ इलाही ज़रूरी है। अल्लाह के डर के बग़ैर कोई लड़की अपने माँ बाप से नहीं डरती है। जिसे अल्लाह का डर ना हो वो बंदों से क्या डरेगा। इसलिए बाज़ बेशरम ऐसे बोल भी देते हैं, मैं अल्लाह से ही नहीं डरती, तुमसे क्या डरूंगी। ये बहुत ख़तरनाक जुमला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में। अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि अल्लाह से डरा जाए। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में तंबीह भी फरमाए हैं एक मौके से कि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि उनसे डरा जाए, तुम लोगों से डर रहे हो। हुकूक़ की अदायगी के लिए बुनियादी बात दीनी तालीम का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दीनी तालीम नहीं होगी तो हुकूक़ अदा नहीं किए जाएंगे। समाज में दीनी तालीम ना होने की वजह से दो बीमारियां पैदा होती हैं। पहली बीमारी है कि बंदा दूसरे का हक़ अदा करने के लिए तैयार नहीं रहता। दूसरी बीमारी यह है कि अपना हक़ दूसरों से बहर सूरत वसूल करता। पहली बीमारी यह है कि दूसरों का हक़ जो इसके ज़िम्मे है वो अदा नहीं करेगा, और दूसरी बीमारी यह है कि उसका हक़ जो दूसरों के ज़िम्मे है वो उसूल करने के लिए चाहे कोर्ट, अदालत, कचहरी, पुलिस स्टेशन तक चले जाए, सब करेगा। बीवी अपने शोहर के हक़ में जो खिदमत करना है, इताअत करना है, वो नहीं करेगी, लेकिन अलग घर बसाने के लिए महिला मंडल जाना पड़े चले जाएगी। सास ससुर का दिल जीतने के लिए घर की साफ़ सफाई, खिदमत करना जो ज़रूरी है, दिल खिदमत से जीते जा सकते हैं, वो नहीं करेगी, सास ससुर के ख़िलाफ़ डोरी केस करने के लिए तैयार हो जाएगी। जब दीनी इल्म और खौफ इलाही नहीं होगा तो घरों में सुकून और चैन भी नहीं आएगा। तो पहली बात है कि दीन का इल्म हासिल करने में दुनियावी फ़ायदा भी पेश नज़र हो, उखरवी फ़ायदा भी पेश नज़र हो। रही बात ये डाउट कि जो लड़कियां, जो तालिबात दीनी इल्म हासिल करने के बाद भी, हाफिज़ा आलिमा बनने के बाद भी, बाज़ घरों में ऐसा देखा जाता है कि वो बच्चियाँ शोहर की नाफरमान हैं, या वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ बीवी बनने के बाद ससुराल में सुकून नहीं है, तो वो तालीम का असर नहीं है, वो तरबियत का फ़र्क है। तालीम का असर नहीं है, तालीम का असर नहीं है का मतलब क्या है? पूरे तालीबात के इदारों में किसी किताब में ये नहीं पढ़ाया गया, किसी उस्ताद और बाजी ने ये नहीं सिखाया कि तुम्हें शोहर से लड़ना चाहिए, तुम्हें ससुराल की नाक में दम करना चाहिए, तुम्हें घर में लड़ाई झगड़े करते रहना चाहिए, अपना हक डट कर मांगते रहना चाहिए। ऐसा किसी ने तालीम नहीं दी है। तो ये तालीम का असर नहीं है, तरबियत का फ़र्क है। तरबियत क्या है? तरबियत का ताल्लुक़ वालिदैन के घराने से होता है। तरबियत असातिज़ा मुअल्लिमात बाजी भी करती हैं। तरबियत इस माना कर भी ज़रूरी है कि जब लड़की देखती है कि हमारी फलां बहन, चचेरी, खलेरी, मुमेरी शादी के 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद लड़ाई झगड़ा करके वो अलग घर बसा रही है, तो मैं क्यों ना बसाऊं? तो ये देखा देखी, चुल्ला फूकी के जो वाक़ियात होते हैं, उस तरबियत का असर होता है। इसी वास्ते हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर लड़कियाँ तालीम पाने के बाद भी उनके अंदर बदअखलाक़ी है, उनके अंदर बदतमीज़ी है, उनके अंदर हुस्न सलूक नहीं है, तो उस हुस्न सलूक के ना होने की वजह से लड़कियों को दीनी तालीम से महरूम नहीं किया जाएगा कि भाई हालिमा बन के भी कुछ अखलाक अच्छे नहीं है, हाफिज़ा बन के भी अखलाक अच्छे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, हज़रत थानवी मिसाल से फरमाते हैं, अगर घर में काजू बादाम की बिरयानी बनी, खाने के बाद 102 मरतबा देखा कि भाई बदहज़मी हो जा रही है, मोशन शुरू हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा से कभी बिरयानी नहीं खाएंगे, क्योंकि बिरयानी खाने के बाद बदहज़मी हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैदा ख़राब है, पहले हकीम साहब के पास जाके मैदे का इलाज कराओ, बिरयानी ख़राब नहीं है। बिल्कुल इसी तरह दीनी तालीम ख़राब नहीं है, दीनी तालीम काजू बादाम की तरह मज़बूत है, लेकिन खाने वाले का मैदा ख़राब है, पहले उस मैदे का इलाज कराओ। दीनी तालीम हासिल करने वाले की फितरत और तरबियत ख़राब है, पहले उसकी तरबियत की तरफ तवज्जो दो। जाहिर सी बात है, अगर कोई औरत घर गले में सोने चांदी का जेवर पहनती है, मेकअप करती है, तो खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर पैदाइशी तौर पर कोई बदसूरत है, अब उसे चाहे जितना भी जेवर पहना लिया जाए, तो जेवर तोड़ ही किसी इंसान को खूबसूरत बना देगा। फितरी और खिलकी खूबसूरती के पर इजाफे के लिए मेकअप किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अंदर की बातिनी
खूबियों को उजागर करने के लिए दीनी तालीम होती है कि इसके ज़रिए से अंदर छुपी हुई जो खूबियाँ हैं वो बाहर निकल के आएँ। अन्नासु मादिन कमादिन ज़हबी वल फिज़्ज़ा, ज़मीन में जिस तरह सोना चांदी दबा हुआ है इसी तरह इंसानों के अंदर भी बहुत सी खूबियाँ दबी हुई हैं, वो तालीम के ज़रिए से उभर के आती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दीनी तालीम की इस कदर ताकीद फरमाई, एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रज व रजुल कानत इंदहु अमतुन फअदबहा फअहसन तादीबहा। अल्लाह ताला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीन बंदों को अल्लाह डबल सवाब देंगे, उनमें से एक बंदा वो है जो अपनी बांदी जिसे ख़रीद कर नौकरानी बनाकर घर की काम वाली बनाकर लाया है लेकिन उसे आज़ाद कर दिया, उसे अच्छी तालीम दिया, तो आज़ाद करके अच्छी तालीम देने वाले पर और अगर मौका है तो उससे निकाह भी कर लिया, फतज़व्वजहा फलहु अजरान, तो अल्लाह ऐसे बंदे को डबल सवाब देंगे। यहाँ उलमा लिखते हैं जिस दीन इस्लाम में घर की बांदियों और नौकरानियों को भी दीनी तालीम देने की तरगीब दी गई हो उस इस्लाम की उम्मत की बेटियाँ दीनी तालीम से कैसे महरूम रह सकती हैं। जिस इस्लाम की बांदियों को ये हुक्म है कि उन्हें तालीम दिया जाए तो फिर आज़ाद बेटियों को दीनी तालीम से कैसे महरूम रखा जाएगा। ये इस वास्ते कहा जा रहा है बाज़ मरतबा शौक़ होता है कि दूसरों की बच्चियां दीनी तालीम हासिल करने के सदक़े में बहुत अच्छी नुमाया किरदार अदा कर रही हैं, उस शौक़ से एडमिशन लिया जाता है, छः महीने भी नहीं गुज़रते रिज़ल्ट देखने की फ़िक्र होती है, आठ महीने नहीं गुज़रते रिज़ल्ट देखने की फ़िक्र होती है। जाहिर सी बात है कि किताबों से मानूस होना, इदारे से मानूस होना, मुअल्लिमा और मुअल्लिम से मानूस होना, उनसियत के बाद ही कोई चीज़ ली जा सकती है। उनसियत पैदा होते होते ही एक अरसा लग गया और फिर उसमें हमारी गैर हाजिरियों का एक लंबा सिलसिला रहा और फिर हमारे फंक्शनों तकरीबात शादियों और अपने अपने घर के पार्टियों में आउटिंग जाने के लिए फार्म हाउस जाने के लिए इन तमाम छुट्टियों के बाद सदका और खैरात के तौर पर जो हाज़िरी हुई है उस हाज़िरी में कितना रिज़ल्ट दिखा सकेंगे। तो जल्दी भिदक कर फैसले और नतज के नामुनासिब होने की वजह से नामुनासिब फ़ैसले नहीं करना चाहिए। तीसरी हदीस तीसरी बात तालीम की अहमियत के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम की तालीम और तरबियत का मुस्तकिल निज़ाम बनाए सुफ़ा चबूतरा के ज़रिए से, वहाँ पर रोज़ाना 80 सहाबा दीनी तालीम हासिल करते थे और तादाद बढ़ती तो 400 से ज़ायद तादाद सहाबा इकराम की वहाँ पर दीनी तालीम हासिल करती थी और जुमा का बयान था और दीगर मौक़ों पर फजर के बाद मुस्तकिल मजलिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगती थी, ख्वाबों की ताबीर बताई जाती थी, बेतकल्लुफ़ी होती थी। तो सहाबियात ने जब देखा कि मर्दों की तालीम और तरबियत का बेहतरीन निज़ाम है, ख्वातीन ख़ुद से आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करने लगीं। मुहद्दिसीन ने लिखा है दरख्वास्त करने की वजह क्या है, जबकि वहाँ पर ख़वातीन को भी इजाज़त थी उस ज़माने में अल्लाह के नबी की मजलिस में आने की, नमाज में शरीक होने की, जुमा में आने की, फजर में भी आने की इजाज़त थी और सहाबियात आती भी थीं। फिर अलग से सहाबियात ने यह दरख्वास्त क्यों की कि उन्हें एक अलग दिन मुकर्रर कर दिया जाए कि उस दिन में सिर्फ ख़वातीन से ख़िताब हो। मुहद्दिसीन ने उसका जवाब ये लिखा है, उसकी वजह यह है कि बहुत से मसाइल वो हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ख़वातीन मर्दों की हाज़िरी में पूछ नहीं सकते हैं और बहुत से मसाइल वो हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मर्दों की मौजूदगी में ख़वातीन को नहीं बयान कर सकते हैं। और एक वजह यह भी है कि ख़वातीन पीछे रहती हैं, मर्द बीच में रहते हैं, खातून अगर कोई मसला पूछना हो तो पीछे से पुकार कर पूछे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी भी शुमार हो सकती है। इस वास्ते मुख्तलिफ़ वजूहात के पेश नज़र सहाबियात ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अलाहिदा दिन मुकर्रर करने की दरख्वास्त की कि हम अलग से दीनी तालीम दी जाए। आज तालिबात के जो इदारे उसी अलग से दीनी तालीम देने की एक शक्ल है कि तालिबात को मुस्तकिल अलाहिदा रखा जाए और उन्हें मर्दों से हटकर दीनी तालीम दी जाए। यहीं से यह बात भी मालूम हो गई कि मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम भी मौजूद हैं और सहाबियात भी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में सहाबियात अपने लिए अलग दिन तालीम का मुकर्रर करना चाहती हैं, तो इससे मालूम हुआ को एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि सहाबियात वहाँ सहाबा की मौजूदगी में पढ़ना नहीं चाहती हैं,
सहाबियात वहाँ सहाबा की मौजूदगी में होने वाले बयान और तालीम पर मुक्तफी नहीं होती हैं, वह अपने लिए अलग दिन चाहती हैं जिसमें सहाबा इकराम शामिल ना रहें। तो आप इससे समझ लें, जब सहाबियात जो उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना आइडियल काबिल इक्तदा जमात है, वो अपने लिए सहाबा से अलग दिन अलग रहकर इल्म हासिल करना चाहती हैं, तो फिर आज की लड़कियां अगर को एजुकेशन सिस्टम में बैठकर पढ़ती हों, हरगिज़ वो कामयाब नहीं हो सकती हैं। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने लिखा है कि तालीम अलग चीज़ है और को एजुकेशन अलग चीज़ है। एजुकेशन अलग है, को एजुकेशन अलग है। को एजुकेशन का एजुकेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लड़कियों को बिल्कुल अलहदा रखकर पढ़ाया जाता हो तो भी बाज़ बददिमाग तालिबात के इदारों पर बिला वजह के एतराज़ करते हैं, और जहां हमारे अकाबिर ने लिखा है कुछ भी बातें, वो दाखिली अमराज की वजह से है, लेकिन महज इत्तेहाम की वजह से नहीं लिखा है। तो आप अंदाज़ा करें, बिल्कुल तन्हा लड़कियों का इदारा होने के बाद भी एतराज़ होता हो, कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ बैठकर बेहयाई बेशर्मी करती हों, फेस्टिवल मनाते हों, सिगरेट पीते हों, बॉयफ्रेंड बनाते हों, तो वहां पर किसी कॉलेज पर एतराज़ नहीं होता कि यहां पर को सिस्टम नहीं होना चाहिए। हत्ता के बाज़ मजबूरियों की वजह से मुअल्लिमात की जगह पर मुअल्लिम असातिज़ा को पढ़ाने रखा जाता है, और वो पूरे पर्दे के साथ, पाबंदी के साथ, पूरी निगरानी के साथ और अपनी इज़्ज़त का, मुखातबा की इज़्ज़त का एहतराम करते हुए तालीम देते हैं, उसके बावजूद भी इत्मीनान नहीं किया जाता हो, और कॉलेज में जहां पर बेहयाई बेशर्मी पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ही नामुनासिब वाकयात टीचरों और प्रोफेसरों की तरफ से हो जाते हों, वहाँ पर आदमी को एतराज़ नहीं होता है। ख़वातीन की दीनी तालीम और तरबियत की अहमियत से के पेश नज़र चौथी बात यह है, आप अंदाज़ा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी तालीम की अहमियत लड़कियों को इस क़दर दी और इतना उनको दीनी तालीम में आगे बढ़ाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जब आप मिंबर पर खड़े होकर महर का मसला बयान करते हैं, जिसमें आप रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि औरतें ज़्यादा महर न बांधें, क्या तुम अजवाज मुतहरात से और अल्लाह के नबी की बेटियों से अफजल हो गई कि उनका महर तो 400 दिरहम के आसपास हो और तुम्हारा महर उससे बढ़ जाए, और ख़बरदार आइंदा से कोई महर ज़्यादा बांधेगा तो मैं उसको बैतुल माल में जमा कर दूंगा। इस मसले के बयान करने के बाद ये काली कलोटी, ऊंचे कद वाली, चपटी नाक वाली औरत खड़े होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहती है कि उमर अमीरुल मोमिनीन, आपको ये इख्तियार कैसे हासिल हो गया कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये इख्तियार देते हैं, वो नाते तुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फला ताखुदू मिन्हु शैया, अगर तुम अपनी बीवियों को ढेर बराबर सोना दे दिए हो फिर भी उसको वापस मत लो। यहाँ मालूम हो रहा है कि ढेर भरा सोना भी दिया जा सकता है बीवियों को महर में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन आए वापस और फिर क्या जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटियों की तारीफ़ करते हुए ये सुनकर फरमाया कि हर शख्स उमर से बड़ा फ़कीह है, हर शख्स इस उम्मत का उमर से भी बड़ा फ़कीह है, और उमर ने गलत कहा और इस खातून ने सही कहा। यहाँ पर उलमा लिखते हैं उमर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला जो इल्म के अबवाब में 10 दरवाज़ों की हैसियत रखते थे, यानी अगर इल्म के 100 दरवाज़े हैं तो उसमें से 10 दरवाज़े सिर्फ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैसियत के हैं। इतना ज़्यादा इल्म रखने वाले सहाबी से अगर किसी मसले में चूक हो जाती हो तो फौरन खातून को इतनी सलाहियत भी मिली और इतनी जुरात भी मिली कि वह कुरान के हवाले से मसला बताकर ये बोल सके कि हज़रत अल्लाह ताला इख्तियार देते हैं और आप इख्तियार छीन रहे हैं। यानी ख़वातीन को भी इस क़दर, यहाँ से समझ लीजिए कि एक है मोमिना कोर्स कराना जिसमें बुनियादी इल्म हासिल हो जाए, और दूसरा वो है कि खातून को, लड़कियों को इतनी तालीम देना वो कुरान से इस्तदलाल कर सकें, वो कुरान से समझ सकें किसी मसले को, इस क़दर तालीम देना भी ये इन अहादीस से और इन वाक़ियात से साबित होता है कि उस ज़माने की माओं को और ख़वातीन को इस क़दर तालीम दी गई थी कि वो ख़वातीन सहाबा इकराम से कुरान से इस्तदलाल करके बात करती थीं। यहाँ पर एक बात रुक कर समझ लेना चाहिए, क्या नाउज़ बिल्ला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम नहीं हुआ कि कुरान मजीद में वो आयत मौजूद है, वही नाते तुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حافظ قرآن نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، کیا آپ کا ذہن نہیں گیا اس مسئلے کی طرف؟ کیوں چوک ہو گئی اس مسئلے کے بیان کرنے میں؟ محدثین نے لکھا ہے کہ کچھ بھی چوک نہیں ہوئی ہے، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی مسئلے کی طرف ذہن نہ جانا اور کسی دوسرے آدمی کا جو حضرت عمر سے کم درجے کا ہو اس کا تنبیہ کرا دینا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غفلت یا افضل مفضول میں کمی آنے کا سبب نہیں بن سکتا. اگر یہی بات ہوگی تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد پرندے نے کہا تھا احط بما لم تحط به، کہ مجھے وہ معلوم ہوا ہے جو تمہیں بھی معلوم نہیں ہوا ہے. پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے پرندہ کہنے سے پرندہ افضل ہو گیا؟ نعوذ باللہ، حضرت سلیمان مفضول ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہاری هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں تمہاری اتباع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو خود حضرت ہارون علیہ السلام نہیں پہنچ سکتے، حضرت یوشع بن نون نہیں پہنچ سکتے. انبیاء میں جو درجہ بندی اللہ نے رکھی ہے، جنہیں کتاب دی گئی ان کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام تو شرعی تشریعی نبی بھی نہیں ہیں، پھر بھی اتباع کی جا رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسئلے میں چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی کو تنبیہ کر دینے سے بڑا آدمی چھوٹا نہیں بن جاتا اور چھوٹا آدمی بڑا نہیں بن جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مہر کا تعلق جس طرح حقوق العباد سے ہے، ویسے ہی مہر کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے. اور حقوق اللہ میں حد بیان کرنے کی اجازت صحابہ کو ہوتی ہے، امیر المؤمنین کو ہوتی ہے. جیسے کہ زکوٰۃ کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، حقوق العباد سے بھی ہے، تو لمٹ متعین کی گئی کہ 2.5% دینا ہے. تو جیسے حقوق العباد اور حقوق اللہ والے مالی مسائل میں حد بیان کی جاتی ہے، ویسے مہر کا تعلق بھی دونوں طرف سے ہے. تو حد بیان کرنا چاہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اتنی لمٹ دی جائے. وہی حد تو فقہا بھی بیان کیے کہ بھائی 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. 10 درہم سے کم نہیں ہونے کی مقدار متعین کرنے کا بھی اختیار کیوں حاصل ہو گیا؟ ویسے ہی زیادہ حد متعین کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے احادیث کے پیش نظر. اور جو پانچویں بات، دینی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی آتی تھیں نماز پڑھنے کی خاطر. اصل نماز مقصود نہیں تھی. محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کے زمانے میں 9 مسجدیں اور تھیں مدینہ منورہ میں، ان 9 مسجدوں میں صحابیات نماز پڑھنے نہیں جاتی تھیں، صرف مسجد نبوی آتی تھیں، کیونکہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے بعد بیان بھی فرماتے ہیں، احادیث ارشاد فرماتے ہیں، وہ سننا بھی مقصود تھا. بعد میں فتنے کی وجہ سے منع کر دیا گیا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں. وہیں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسجدوں میں آنے سے پابندی لگا دی گئی، تو اب مسجدوں میں آنے سے پابندی کے بعد ایک تو نماز مسجد میں پڑھنا فوت ہو گیا، اس کا بدل گھر میں نماز پڑھنے پر عورت کو وہی ثواب ملے گا جو مسجد میں نماز پڑھنے پہ ثواب ملے گا. اب دوسری بات، مسجد میں آنے سے جو احادیث اور تعلیم حاصل ہوتی تھی وہ فوت ہو گیا، اس کا بدل مدرسے کی شکل میں، مکتب کی شکل میں، گھر کی تعلیم کی شکل میں کیا جائے. جو تعلیم وہاں مسجد میں فوت ہو گئی وہ تعلیم یہاں حاصل کی جائے. تو بہر صورت یہ معلوم ہوا کہ تعلیم کے پیش نظر عورتوں کو گھر سے نکل کر مسجد تک آنے کی اجازت دی جاتی تھی. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ بھی سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر خواتین سے بالخصوص یہ فرماتے تھے، خواہ وہ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہوں پھر بھی وہ عورتیں عیدگاہ آئیں. اگر نماز پڑھنے کی اس وقت موقع نہیں ہے تو پھر وہ عیدگاہ سے ہٹ کر تھوڑا بازو بیٹھیں لیکن شریک رہیں. وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات سے. پہلی وجہ خود حدیث میں ذکر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دعا میں شریک رہیں. تو اجتماعی طور پر سال میں 1-2 مرتبہ دعا ہوتی ہے، اس دعا میں خواتین کی بھی شرکت مقصود تھی. اور دوسری وجہ محدثین نے ذکر کی ہے، آپ علیہ السلام جو اس وقت نصیحت فرماتے ہیں اس نصیحت کو سننا مقصود تھا تاکہ خواتین بھی اس علم سے محروم نہ رہیں جو عید کے موقع پر آپ علیہ السلام مردوں کو دیتے ہیں. تو عیدگاہ جانے کی عام طور سے عورتوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، چونکہ عید کی نماز ان پر فرض ہی نہیں ہے. لیکن عید پر انہیں بلایا گیا کس مقصد کے پیش نظر؟ تعلیم کے پیش نظر. تو ان باتوں سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دینی تعلیم کی اہمیت ہو ہمارے نزدیک، اسی دینی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرایا ہے،
अब इसके बाद जो मरहले हैं उन मरहलों में से पहला मरहला ये है, जब हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम के पेश नज़र दाखिला करवाया, अब पहली बात होती है पाबंदी। तालिबात का पाबंदी से आना और तालिबात को पाबंदी से भेजना, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। बहन की बेटी का निकाह है, भाई के बेटे का रिश्ता है, फलां के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, फलां के घर में सातवीं डिलीवरी है, किसके भी कुछ भी मसाइल हो, अपनी फैमिली को बहुत पाबंदी से वहाँ पर ले जाना और वहाँ पर फातिहा पढ़ के आना ज़रूरी नहीं है। जिसको तालीम के लिए फ़ारिग किया गया है उसे मुकम्मल तालीम के लिए फ़ारिग रखा जाए। रिश्ते नाते हम निभा लें, रिश्ते नाते हम निभा लें, इन बच्चियों को तालीम में लगने का मौका दें। पाबंदी अगर नहीं होती है, उलमा ने लिखा है कि एक दिन की गैरहाज़िरी पर 40 दिन तक सबक की नूरानियत ख़त्म हो जाती है। असलाफ़ में पाबंदी कैसी थी? हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह, जो फ़िक़्हे हनफ़ी के बड़े इमाम हैं, काज़ीउल क़ुज़ात हैं, आपके मुतालिक लिखा है कि पढ़ने के ज़माने में ऐसा शौक़ था कि ईद के दिन ईद की नमाज़ ईदगाह से पढ़कर सीधे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के घर आते और इमाम अबू हनीफ़ा से फरमाते कि दो तीन मसले बता दें, दो चार मसले हमें सुना दें, फिर आज ईद का मौका है, आप फारिग हो जाएंगे। बाज़ उलमा ने दूसरे इमाम वकील रहमतुल्लाहि अलैह या किसी और इमाम के मुतालिक ये बात लिखी है कि वो ईद के दिन भी अपने उस्ताद के घर जाते और उनसे दो तीन हदीसें सुनकर फिर घर तशरीफ़ ले जाते। अब आप बताएं, वो ज़माना जिसमें ईद के दिन भी तालिबे इल्म सबक का नागा ना कर रहा हो, या तो वो अक्लमंद थे या हम अक्लमंद हैं। हमें अय्याम तालीम में भी हाज़िरी ज़रूरी ना समझी जाती हो। आपको मालूम होगा इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह जब सबक पढ़ा रहे थे, मालूम हुआ कि बेटे का इंतकाल हो गया, सबक रोका भी नहीं बेटे के इंतकाल की खबर सुनकर, सबक के दरमियान इन्ना लिल्लाह पढ़ा और सबक जारी रहा। सबक ख़त्म होने के बाद घर तशरीफ़ ले गए, बेटा इंतकाल हो गया, पेशानी का बोसा लिया, उसे गुसल दिया, कफन दिया, तैयार करके मदरसा लाए, वहाँ पर जनाजे की नमाज़ हुई, जनाजा पढ़कर मस्जिद के मदरसे के गेट तक जनाजे के साथ गए और गेट पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से फरमाया कि आप लोग कब्रिस्तान ले जाके दफन कर दें, मेरे सबक का टाइम हो रहा है, मैं सबक में जा रहा हूँ। बेटे के जनाजे में कब्रिस्तान तक खुद बाप नहीं जा रहा है सबक की हाज़िरी के वजह से, कि मेरी हाज़िरी कहीं छूट ना जाए, मेरी पाबंदी कहीं छूट ना जाए और हमारे लिए हर खुशी में शिरकत हमारा फरीज़ा बन जाता हो। मौजूदा ज़माने की मंगनियों में जो पाए जाने वाले मुनकरात हैं, उस मुतालिक हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अतर साहब दामत बरकातुम, जो नाज़िम इदारा हैं, उनका बयान सुनने के काबिल है कि मौजूदा ज़माने की मंगनियों में किस कदर के रसूमात और मुनकरात पाए जाते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इस्लाहुर रुसूम में लिखा है कि मौजूदा ज़माने में जो शादियां होती हैं, और ये मौजूदा ज़माने से मुराद हज़रत थानवी का ज़माना, आज से 100 साल पहले का ज़माना, उस ज़माने में हज़रत थानवी ने लिखा है कि मंगनी क़ियामत सुगरा है और शादी क़ियामत कुबरा है, मंगनी छोटी क़ियामत है, शादी बड़ी क़ियामत है। और हम इस बहाने से हर तरह की शरई और गैर शरई तमाम रसूमात में शरीक हो जाती हूँ। तो पाबंदी बहुत ज़रूरी है अपनी बच्चियों को, और ख़ुद तालिबात से भी ये बात अहमियत के काबिल है कि इल्म में रसूख गहराई और इल्म का नूर तभी हासिल होगा जब आदमी पाबंदी से अपने इल्म की हुसूल की फ़िक्र करेगा। दूसरी बात यह है वालिदैन से कि जब इल्म दीन की कदर आई, इल्म दीन की कदर के सिलसिले में हमें पाबंदी भी ज़रूरी है, और पाबंदी तालिबात की तरफ से भी हो, मुअल्लिमात की तरफ से भी हो, असातिज़ा की तरफ से भी हो, और इदारा मुस्तकिल 7 दिन चल रहा है, तो वहाँ पर अब आप बताएं कि इदारा 7 दिन हफ्ते के चल रहा हो, एक दिन छुट्टी है, महीने के 26 दिन इदारा चलता हो और पढ़ाने वालियाँ पढ़ाने वाले मौजूद हों, उसके बावजूद भी हम पढ़ाने वाले तो हमारी बच्चियों की खिदमत कर रहे हैं लेकिन हम इदारे की खिदमत नहीं कर रहे हैं। अगर इदारे की तरफ से फ़ीस मुतय्यन है, उस फ़ीस की अदायगी में हम कोताही करते हों, फ़ीस कमा हक़ अदा करना नहीं चाहते हों, बार बार तवज्जो दिलाना पड़ता हो, हम किसी पेंशन में शरीक होने के लिए जिसने हमें इनवाइट किया है कार्ड देकर, उसने हमसे कभी नहीं कहा कि आप महंगा सूट पहन के आइए, उसने हमसे कभी नहीं कहा कि आप महंगे सैंडल पहन के आइए, उसने कभी हमसे नहीं कहा कि बेहतरीन मेकअप करा के आइए, लेकिन एक
इनविटेशन कार्ड आ गया तो हम खुद समझ जाते हैं उस एक कार्ड को देखकर कि अब इस फंक्शन में जाने के लिए मुझे कपड़े भी अच्छे चाहिए, मुझे जूते भी अच्छे चाहिए, मेरा मेकअप भी अच्छा चाहिए और इसके लिए मुझे पैसे भी खर्च करना है। उस कार्ड से दलालत के तौर पर मालूम हो जाता है कि ये कार्ड बता रहा है मुझे कैसी तैयारी करके जाना है। तो फिर आपके दाखिले का फॉर्म और आपका माहाना रिपोर्ट का कार्ड और आपका फीस कार्ड भी बताता है कि मुझे इस खिदमत की जिम्मेदारी संभालना है। हमारी ख्वाहिशात के मौके पर तो हम कभी पीछे नहीं हटते हों खर्च करने के लिए, होटलबाजी करने के लिए हम पीछे ना हटते हों, हफ्ता 10 दिन में बाहर से मंदी मंगाकर खाने में या होटल जाने में हम पीछे ना हटते हों। सखावत हमारी होटलों पर है, सखावत हमारी फंक्शनों पर है, सखावत हमारी अपने रिश्ते नाते निभाने के लिए हदाया तोहाइफ पर है, सखावत हमारी फार्म हाउस आबाद करने में है, और ज़रूरत और हक़ अदा करने के दर्जे की बात भी अगर इदारे से ना जुड़ी हो तो किस कदर नाइंसाफ़ी की बात है। इस वास्ते इदारे की माली खिदमत और फीस की अदायगी में हरगिज़ कोताही ना करें। ये वो ख़र्च है जो आखिरत में बेहतरीन बदला देगा, और ये वो नाइंसाफ़ी है जो दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी कही जाएगी, जहाँ पर सबसे बड़ा एहसान अपनी औलाद को दीनी तालीम देना है, सबसे बड़े मुहसिन के साथ सबसे बड़ी बेवफाई है। तो इस वास्ते तीसरी ज़िम्मेदारी ये है पाबंदी के बाद के माली हुकूक़ अदा करने की तरफ तवज्जो दी जाए। चौथी बात यह है कि तालिबात को जिस तरह यहाँ पर तालीम और तरबियत का निज़ाम दिया गया है, दरख्वास्त यह है कि घर के माहौल को भी वैसा बनाएं कि बच्चियाँ पढ़ने लिखने के बाद वो घर में आएं तो भी एक दीनी माहौल महसूस करें। यहाँ बच्चियों को पर्दे में रखा जा रहा है, पढ़ाने वाला उस्ताद जिसे बाप का दर्जा दिया गया है अगरचे के, लेकिन शरान उससे भी पर्दा है। सहाबा जैसे पाकीज़ा दिल लोगों से सहाबियात को पर्दा करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबीउल अंबिया से आम सहाबियात को पर्दा करना है। तो इतने पर्दे के माहौल में रखने के बाद जब ये बच्चियां घर आती हों, वहाँ चचेरे मुमेरे खलेरे फुपेरे और ताया फाया इन सब के बेटों से कोई पर्दा नहीं होता हो, देवर जेठानी और जो रिश्ते हैं उन वहाँ पर कोई पर्दे की और हया की बात ही नहीं पाई जाती हो, यहाँ इन्हें इस कदर तालीम दी जा रही है पर्दे की, वहाँ पर पेंशनों में शादियों में जहाँ पर स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बहुत बेशर्मी के साथ आजू बाजू बैठे हुए हैं और लोग उनसे सेल्फी ले रहे हैं फ़ोटो ले रहे हैं, या लड़कियों के स्टेज पर दुल्हन बैठी है और यहाँ लड़कों के स्टेज वाले हिस्से में दूल्हा बैठा हुआ है, या दूल्हे के दोस्त आकर स्टेज पर खड़े होकर सेल्फियाँ ले रहे हैं फ़ोटो ले रहे हैं, और वहाँ पर दुल्हन के साथ खड़े होकर लड़कियाँ फ़ोटो ले रही हैं सेल्फी ले रही हैं, और उसमें वो बच्ची भी है जो आलिमा बन रही है, वो लड़की भी है जो हाफिज़ा बन रही है। तो फिर बताइए वो लड़की जो कॉलेज में बेहया बेशरम बन रही है और ये लड़की जो बाहया बाशरम बनने की तालीम जिसे दी जा रही है, दोनों में फ़र्क क्या रहेगा? हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इन बच्चियों को जो तालीम इदारे में दी जा रही है वो माहौल अपने घरों में कायम हो। बेटा अगर डॉक्टर बन रहा है तो बाप ख्वाब देखता है, कम से कम छोटा ख्वाब भी देखेगा तो एक क्लिनिक लगा कर देंगे, बड़ा ख्वाब देखेगा तो एक बड़ा हॉस्पिटल बना कर देंगे, और जो सामान वहाँ पर घर में होता है डॉक्टर के टाइप का टेबल भी लगा दिया जाता है, और फिर उसे चेकअप करने के लिए बीपी चेक करने की भी का आला भी दे दिया जाता है, उसके ज़रूरत के हिसाब की चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। अगर कोई भी घर में आएगा तो देख के बोलेगा बच्चा डॉक्टर ही कर रहा है, सामान देख कर पूछ देगा बच्चा डॉक्टर ही कर रहा है क्या? क्या मालूम हुआ घर के सामान से पता चलता है कि पढ़ने वाला कौन से शोबे का है। तो फिर क्या वजह है हमारी बच्चियां दीनी तालीम हासिल करती हैं, घर के माहौल से पता नहीं चलता है कि कोई बेटी आलिमा भी बन रही है, घर के माहौल से पता नहीं चलता है कोई बेटी हाफिज़ा भी बन रही है। तो जो यहाँ माहौल दिया जा रहा है, अब इनको सिखाया जा रहा है कि भाई दुआओं का अहतमाम हो, अब दस्तरखान पर बैठे हैं ना किसी के सर पर दुपट्टा है ना दुआ का अहतमाम है, इज्तमाही खाने का निज़ाम नहीं है, सब अलग अलग खा रहे हैं या इज्तमाही खा रहे हैं। इज्तमाही खानों के मौक़ों पर फुकहा ने लिखा है इज्तमाही जब खाना हो तो ज़ोर से दुआ पढ़ने का अहतमाम किया जाए ताकि तज़कीर हो, दूसरे को याद दहानी हो जाए, कभी दुआ की आवाज़ ही नहीं आती है और न कभी दस्तरखान उठाने से पहले दुआ का अहतमाम होता है, कपड़े पहनने और सामान के इस्तेमाल करने की दुआओं का अहतमाम नहीं है, वाशरूम जाते हुए दुआ का अहतमाम नहीं है,
यहाँ तालीम दुआओं की दी जा रही है, इम्तिहान दुआओं का हो रहा है, दीनियात का इम्तिहान हो रहा है, कितना कामयाब हो रहे हैं, नंबरात दिए जा रहे हैं, दुआ ना पढ़ने पर, दुआ पढ़ने पर फेल और पास का मसला हो रहा है, और वहाँ पर दुआ सिखाने का मकसद है ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना, उन दुआओं का अहतमाम ही नहीं है। और माहौल बनाने में ये बात भी हो कि एक बेटी आलिमा हाफिज़ा बन रही है और दूसरी बेटी कॉलेज पढ़ रही है, तो बेटियों में बराबर का एहतराम वाला मामला हो। अब एक बेटी कॉलेज पढ़कर ला कर रही है या MBBS कर रही है, उसके लिए लाखों रुपए फ़ीस के लिए, डोनेशन के लिए खर्च करने तैयार हैं, और यहाँ बच्ची आकर कह रही है कि अम्मी 2 महीने की फ़ीस बाकी है और फ़ीस सिर्फ 600 रुपये है, फ़ीस सिर्फ 1500 रुपये है, फ़ीस सिर्फ 2000 रुपये है, और वहाँ 4 लाख रुपये दे रहे हैं, वहाँ पर 40 लाख रुपये दे रहे हैं, और यहाँ 2000 रुपये फ़ीस है, तो भी 3-3 महीने टला दिया जा रहा है, और वहाँ पर डॉक्टरी करने वाले बेटे या बेटे की 40 लाख भी दी जा रही है, तो फिर बताइए ये औलाद में कहाँ से बराबरी होगी, ये कौन सा इंसाफ और मुसावात वाला मामला रहा। और अगर उसे ड्रेस दिलाना हो तो 10,000 के भी खर्च करके किताबें और ड्रेस दिला दिए जाते हों जो अंग्रेज़ी तालीम हासिल कर रहे हैं, और यहाँ पर 600 रुपये 1100 रुपये खर्च करके उसे इसको मदरसे का ड्रेस ना दिलाया जाता हो, हिजाब और निकाब और स्काफ ना दिलाया जाता हो। ना दिलाने का मतलब ये नहीं कि नहीं दिलाते हैं, कोताही करते हो, तवज्जो ना दी जाती हो, बार बार तवज्जो दिलाना पड़ता हो, ये वाला रवैया ना रहे। तो घर में चौथी बात ये रही कि जो तालीम यहाँ दी जाती है वो माहौल घर में कायम करने की कोशिश रहे, वरना ऐसा होगा कि यहाँ तो बहुत मेहनत करने वाली बच्चियाँ भी नाकाम हो जाती हैं जब माहौल उन्हें बर्बाद कर देता है, जब माहौल उन्हें बिगाड़ देता है। यही वजह है कि हमारे अकाबिर उलमा को मना करते हैं मार्केट में तिजारत करने से, कि भाई आप मार्केट मत जाइए। क्यों मना करते हैं? इस वास्ते कि मार्केट का माहौल ये मकाइदु शैतान है, शयातीन है, शैतानों के बैठने की जगह है, वहाँ पर चाहे कोई सूफ़ी फरिश्ता भी चला जाए तो वह उसे भी अपने जैसा बना देंगे। लोग तो बोलेंगे कि आप हिदाया पढ़े हैं, किताबुल बुयू पढ़े हैं, उसमें इकाला पढ़े हैं, किताबुल खियार पढ़े हैं, फलां पढ़े हैं, आप यहाँ उसे इस्तेमाल कीजिए। आप जब जहाँ जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए तो सीधे कहते हैं मौल साहब वो सब बातें मदरसे में चलती, यहाँ नहीं चलती है। तो जब आलिम मार्केट के माहौल से मुतासिर हो सकता है तो फिर बेटियाँ भी समाज और माशरे के माहौल से मुतासिर होती हैं, उन्हें माहौल दीनी माहौल देने की कोशिश की जाए। पाँचवीं बात यह है कि जब हमारी बच्चियाँ किसी इदारे में पढ़ती हों तो उस इदारे से भी मोहब्बत हो, और पढ़ाने वाली इन मुअल्लिमात और असातिज़ा से भी रब्त हो कि मेरी बेटी की तालीम कैसी है, तरबियत कैसी है, अखलाक कैसे हैं, खैर कहाना ताल्लुक़ रहे। इदारे में एडमिशन के बाद वालिदे मोहतरम ला रहे हैं, बाहर छोड़ के जा रहे हैं, ऑटो आ रहा है, बाहर छोड़ के चले जा रहा है, 6 महीने हो गए, इम्तिहान हुआ, वालिदैन को बुलाया गया कि आपकी बच्चियों के इम्तिहान का रिज़ल्ट है, 6 महीने हमने क्या मेहनत की, आपकी बच्चियों ने क्या मेहनत की, उसके मुजाहरे का वक्त है, आप हजरात तशरीफ़ लाएं। इदारा मोहब्बत से दावत दे रहा है, लेकिन अफसोस अगर पेरेंट्स हाजिर ना होते हों, 400 बच्चियां, 250 बच्चियां, 150 बच्चियां पढ़ रही हैं और माँ बाप आ रहे हैं 15-20 के, 25-30 के माँ बाप आ रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? इन माँ बाप को अपनी बेटियों की तालीमी कैफियत मालूम करने की भी फ़िक्र नहीं है, जबकि मौका रखा ही गया है इतवार की मुनासबत से कि आज फ्री रहते हैं, उनके वर्किंग डेज में हम डिस्टर्ब ना करें, जहाँ फ्री रहते हैं वीकेंड में हम उन्हें बुला लें, इस नीयत से जब रखा जाता है। फिर भी अगर माँ बाप दिलचस्पी लेकर आते ना हों और अपनी बेटी के साथ अपने पढ़ाने वाली बाजी से मुलाकात करके अच्छा रिज़ल्ट आया है तो उन्हें मुबारकबादी देना, दुआएं लेना, उनसे मोहब्बत का इजहार करना ना होता हो, और फिर अगर रिज़ल्ट ख़राब आया है तो फ़िक्र करना, वजह तलाश करना, क्यों मेरी बेटी तालीम में पीछे है, इसके असबाब क्या हैं, तबादले ख्याल करना, ये ना कि फौरन इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि तालीम सही नहीं है, पढ़ाने वाले सही नहीं है, इदारा फला है, बजाय इसके कि मेरी बेटी के महरूम रहने के असबाब क्या हैं मैं अपनी मुअल्लिमा से बैठकर डिस्कस कर लेती हूं और सब मिलकर बच्ची को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर बात है या ये ज़्यादा बेहतर है कि भाई आएँगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, रब्त ही नहीं रखेंगे, और 2-3 साल के बाद क्या पढ़ाई हुई मेरी बेटी की, ज़िंदगी ज़ाय हो गई, ये कहकर निकाल लिया जाए। तो इस वास्ते पांचवी दरख्वास्त ये है,
अपनी बच्चियों की तालीमी तरक्की के पेश नज़र इदारे से रब्त रहे, इदारे से मोहब्बत रहे, पढ़ाने वाली बाजियों और मुअल्लिमात और असातिज़ा से तालीबात और अपनी बेटियों की तालीमी और तरबियती कैफियत से मुतालिक अपने महरमों के ज़रिए से रब्त रखा जाए, ये हमारी ज़िम्मेदारियों में से है। और आखिरी बात जो वालिदैन से अर्ज़ करनी है वो ये है कि दुआओं का अहतमाम बहर सूरत होना चाहिए। जैसे बेटी के पैदा होने पर माँ बाप की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि अब उसका नसीबा कैसे होगा, उसकी शादी के बाद उसका ससुराल कैसे मिलेगा, ये टेंशन और फ़िक्र जैसे होती है, वैसी ही फ़िक्र मेरी बेटी की तालीम के बाद इसे फिर इल्मी घराना मिलना, इल्मी रिश्ते मिलना, इसके इल्म की हिफाजत होना, ये मुबल्लिगा बनना, इसके ज़रिए से समाज की ख़वातीन की तरबियत होना, इसके ज़रिए से ख़ानदानों की इस्लाह होना, ये दूसरों के लिए नमूना और आइडियल बनना, ये मेरी बेटी कैसे जैसे डॉक्टर बनने के बाद लेडी डॉक्टर भी क्लिनिक चलाती है, हॉस्पिटल में काम करती है, वैसे हाफिज़ा आलिमा बनने के बाद मेरी बेटी के ज़रिए से कुरान की तालीम आम हो, मेरी बेटी के ज़रिए से समाज की ख़वातीन को मकतब की बुनियादी तालीम, मदरसे की तालीम हासिल हो, जायज़ नाजायज़ का फ़र्क बताने का वो मौका भी मेरी बेटी हासिल कर सके, उसके लिए अपनी औलाद की खातिर दुआ, इदारे के हक़ में दुआ, अमले के हक़ में दुआ का अहतमाम, ये हमारा अख़लाक़ी फ़रीज़ा है। क्या मैं इतना बदनसीब बनना चाहता हूँ कि अपने मोहसिन के हक़ में दुआ भी ना करूँ, इतना महरूम बनना चाहता हूँ कि अपने मोहसिन की खैरख्वाही भी ना करूँ? तो इस वास्ते ये बात भी हमारी ज़िम्मेदारी में आती है कि हम दुआओं का अहतमाम करें। ये चंद बिखरी हुई बातें वालिदैन से मुतालिक थीं और इसमें तालिबात से भी दो बातें मुतालिक थीं। और दूसरी बात जो आज के मुनासबत से सिर्फ तालिबात से कहनी है वो ये है कि पढ़ने वाली तालिबात में अभी जो इम्तिहान हुआ उसमें कोई इम्तियाजी होंगे अव्वल, कोई दुवम, कोई सुवम, और इस तरह तरतीब चलती रहती है, कोई पहले आते हैं कोई बाद में आते हैं। पहले आने वालों से ये कहा जाता है कोशिश ये करो कि आइंदा भी पहले रहो। तरक्की के बाद जवाल से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हौर बादल कौर, अल्लाह मैं तरक्की के बाद फिर जवाल से पनाह चाहता हूँ। तो अब जैसी मेहनत करके किसी दर्जे पे आए हैं कोशिश ये रहे कि आइंदा भी हम यही पोजीशन हासिल करते रहें। और जो पीछे आई हैं उनसे ये दरख्वास्त की जाती है कि अब पीछे हो गई हो किसी वजह से, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आइंदा तुम ये कोशिश करोगे कि अव्वल पोजीशन तुम रहोगे, कामयाब नंबरात से अव्वल दर्जे के नंबरात से पास होने की मेहनत करोगे। तो दोनों से कहा जाता है कि तुम अपनी जगह पर रहो, और इनसे कहा जाता है कि दिल बर्दाश्ता नहीं होना, छोटा नहीं होना, जल्दी मायूस नहीं हो जाना कि मेरे नंबरात कम आ गए हैं, इस वास्ते कि नंबरात ही सब कुछ नहीं होते हैं, नंबरात तालीमी सलाहियत का मज़हर हैं, तालीमी सलाहियत की दलील नहीं है। ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अव्वल पोजिशन आ जाना ये तालीमी सलाहियत का इजहार और अलामत है, तालीमी सलाहियत की दलील नहीं है। दलील तब होगी जब बजाते ख़ुद वो काम करके दिखाएगी, दलील तब होगी बजाते ख़ुद वास्ता पढ़ने पर होगा। ये अलामत के तो ये अलामत होती हैं कि ये फ़लाँ दर्जे से कामयाब हुई है, दलील तो असल तालीम है। तो इस वास्ते मेहनत करके अपने दर्जे से आगे बढ़ने की कोशिश हो। और उसके लिए क्या बात ज़रूरी है? बात यह ज़रूरी है कि मेहनत मुजाहदे से मुसलसल पढ़ते रहने का अहतमाम। मेहनत और मशक्क़त के बग़ैर इल्म दीन हासिल नहीं होता। जो कोताही हो गई उस पर अफसोस किया जाए और यहाँ से खूब मेहनत करके पढ़ने की कोशिश की जाए। अबू कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म की मीरास सोने चांदी की मीरास से भी बेहतर है। यानी सोने चांदी को जमा करने के लिए आदमी जिस तरह मेहनत करता है, इल्म हासिल करने के लिए उससे ज़्यादा आदमी को मेहनत करना चाहिए। जैसे अच्छा जेवर पहनने से इंसान खूबसूरत दिखता है, ऐसे ही बेहतरीन इल्म हासिल होने से ख़ानदान खूबसूरत दिखता है। इंसान इंसान की इंसानियत में निखार पैदा हो जाता है जब आदमी इल्म से आरास्ता हो जाता है। अबू मुस्लिम बिन फहद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोहम्मद बिन हसन जैदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फरमाया नसीहत करते हुए, अबा मुस्लिम इन्नल फता बी जनानी ही व मकूली ही ला बिल मरा की भी वल्लबसी वले सयुफ़ीदुल्म वल्हिल्म वत्तुका अबा मुस्लिम तूलुल क़ुऊदी अलल कुर्सी। क्या फरमाया अबू मुस्लिम? आदमी अपने दिल और ज़ुबान से ही, ज़ुबान से अच्छा लगता है। दिल कैसा साफ़ है, ज़ुबान कैसी साफ़ है,
ना कि अच्छी अच्छी गाड़ियों पर सवार होने से, ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से। अच्छे कपड़े पहनने से आदमी अच्छा नहीं हो जाता है, कपड़ा अच्छा है आदमी ख़राब है। गलत बदन पर सही कपड़ा चढ़ गया है, गलत बदन पर सही जेवर चढ़ गया है। जेवर की तारीफ़ है, कपड़े की तारीफ़ है, इंसान की तारीफ़ नहीं है। इंसान अच्छा बनता है अच्छे दिल से, अच्छी ज़ुबान से, अच्छे अखलाक से। और फरमाते हैं अबू मुस्लिम, मज़े से गद्दे और कुर्सी पर बैठे रहने से इल्म, अमल, तकवा हासिल नहीं हो जाता। इल्म, अमल और तकवा हासिल करने के लिए नरम गद्दे छोड़कर मेहनत करना चाहिए। नरम कुर्सियों पर बैठने वालों के दिलों में इल्म, अमल और तकवा पैदा नहीं होता है। इस वास्ते चाहे हम कितने भी मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते हों, हमें इल्म की लज्जत हासिल करने के लिए मेहनत बहर सूरत ज़रूरी है। चुनांचे किसी हकीम का कौल है, मन लम यहतमिल अलमत ताल्लुमी लम यदुक लज्जत अल-इल्मी। जो इल्म हासिल करने की तकलीफ़ उठाने तैयार नहीं है, वो इल्म का मज़ा हासिल करने का शौक़ भी ना रखे, ख़याल भी ना करे इल्म हासिल करने में कितना मज़ा आता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक इल्म हासिल करने के लिए फाका और मुसीबत गवारा नहीं की जाएगी, किया जाएगा, उससे पहले इल्म का एक रत्ती भी हासिल नहीं होगा। चाहे कितनी भी मशक्क़तें आएँ, इल्म छोड़ा नहीं जाएगा, मदरसे की पाबंदी हाथ से नहीं जाएगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, तमन्नई तंतुस भी है फ़कीहन मुनाज़िरन बग़ैर इनाइन वल जुनून व बग़ैर इनाइन वल जुनून फ़नून। तुम्हारी ख्वाहिश है कि बग़ैर तकलीफ़ और मशक्क़त उठाए हुए बड़े फ़कीह बन जाओ, बड़े आलिम बन जाओ। ये पागलपन है, ये जुनून है। क्योंकि जब फ़िरऔन की वरासत माल, क़ारून की वरासत माल, क़ारून और फ़िरऔन की वरासत हासिल मशक्क़त के बग़ैर नहीं होती है, तो अंबिया की वरासत बग़ैर मशक्क़त के कैसे हासिल हो जाएगी। क़ारून और फ़िरऔन की वरासत दुनिया, वो बग़ैर मेहनत के हासिल नहीं होती है, तो अंबिया की वरासत बग़ैर मेहनत के कैसे हासिल हो जाएगी। इस वास्ते चाहे जितना भी राहत तलब इंसान हो, इल्म हासिल करने में मेहनत बहर सूरत ज़रूरी है। सहाबा इकराम के मुतालिक लिखा है, सुफ़ा चबूतरे पर पढ़ने वाले सहाबा भूख की शिद्दत से इतने ज़्यादा फाके में रहते थे, नमाज में खड़े नहीं हुआ जाता था, बेहोशी तारी हो जाती थी, लेकिन सुफ़ा चबूतरा नहीं छोड़ते थे इल्म हासिल करने की गर्ज़ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज के बाद सुफ़ा चबूतरे पर पढ़ने वाले सहाबा के पास आए और तसल्ली देते हुए फ़रमाया, लौ तअलमूना मालकुम इंदल्लाह लअहबबतुम अन तज़दादू फ़ाक़तन वहाजा। कि अगर तुम इल्म हासिल करने की खातिर जो मशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हो, उस मशक्क़त के बदले तुम्हें अल्लाह कितना बड़ा मकाम देने वाला है, वो मकाम अगर तुम्हें मालूम हो जाए, तो तुम अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह हमारा फ़ाका और बढ़ जाए, हमारी मुसीबतें और बढ़ जाएँ। चूँकि उस मकाम के बदले में ये फ़ाका और ये मुसीबत कोई बड़ी बात नहीं है। किताबों में लिखा है, असलाफ़ किस कदर मशक्क़त किया करते थे इल्म हासिल करने की खातिर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने मशहूर उस्ताद रबीअतुर राय का हाल बयान करते हैं, इल्म हासिल करने की तलाश और जस्तजू में उनका हाल ये था कि फ़लाँ किताब ख़रीदनी है, पैसा नहीं है, घर का फ़लाँ सामान बेच दो। फ़लाँ किताब हासिल करनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, फ़लाँ चादर बेच दो, फ़लाँ जूता बेच दो, फ़लाँ घर का सामान बेचते बेचते ये नौबत आई कि घर की छत की लकड़ियाँ, उस ज़माने में आज जैसे लोहे की सलाखें डालकर छत बनाई जाती है, उस ज़माने में बड़ी बड़ी तीरों और कमान के ज़रिए से छत बनाई जाती थी, वो घर की छत की लकड़ियाँ काट कर बेच कर किताबें हासिल किया करते थे, ताकि मेरा ख़ज़ाना मेरा इल्म है, मेरी दौलत मेरी किताबें हैं, फ़ाका गवारा है, लेकिन इल्म छोड़ना गवारा नहीं है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए इतनी मशक्क़त बर्दाश्त किए। एक मर्तबा किसी ने पूछा कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी मालूमात कहाँ से अता की है, तो इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, प्यारे क्या तुम समझते हो कि यह इल्म मज़े के साथ हासिल हो गया। 30 बरस मैंने अपनी कमर को बोरिए पे लगाया है, नरम बिस्तर पर भी मैंने नहीं सोया 30 बरस तक, तब जाके यह इल्म मुझे हासिल हुआ है। सालों गुजर जाते थे, सफ़र की मशक्क़तें बर्दाश्त करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब इल्म हासिल करने के लिए निकले, तो उनकी वालिदा ने अपना जेवर कुर्बान किया, बहन ने अपना जेवर कुर्बान किया। ये नौबत भी आ गई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब इल्म हासिल करने लगे,
फाका आते 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 अपनी हर चीज़ बेचते गए, हत्ता के बदन के कपड़े भी बेच दिए और जिस्म पर इतने कपड़े नहीं थे कि उन कपड़ों में वो दरसगाह में आ सकें। साथियों को मालूम हुआ कि कहाँ हैं, पता चला फला अंधेरी कोठरी में है, तो साथी गए, पैसा जमा किया, जोड़ा ख़रीद के लाए, उन्हें कपड़े दिए। उसके बाद इमाम बुखारी आए और जब वो मशक्क़त से पढ़े तो अल्लाह ताला ने कैसा बड़ा मकाम अता किया। यानी ये बोलना नहीं है कि हम भी मशक्क़त बर्दाश्त करेंगे तो इस ज़माने में 2024 में कोई नया बुखारी पैदा हो जाएगा। इस ज़माने में इस ज़माने के लिहाज से जितनी ज़रूरत है, जिस क़दर सलाहियत की ज़रूरत है, उस क़दर सलाहियत से अल्लाह ताला नवाज देंगे। इसलिए मशक्क़त बर्दाश्त करने में हरगिज़ कोताही ना करें। और आखिरी बात यह है, मौके की मुनासिबत से मशक्क़त के साथ साथ मुताले का अहतमाम, जो पढ़ाया जाता है, पारा हो, सबक पारा हो, आमख्ता हो, उसका निज़ाम, और आलिमियत पढ़ने वाली तालिबात हों तो वो अपने पढ़ी हुई किताबें आने से पहले मुताला, आने से पहले सबक की तैयारी, तवज्जो से सबक सुनना, सबक के बाद सबक का तकरार। बाज़ उलमा के बारे में लिखा है एक एक किताब उन्होंने 100-100 मरतबा पढ़ी है, 100-100 मरतबा एक एक किताब पढ़ी है, फिर भी इत्मीनान नहीं होता था, मुताला करते थे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मुताला कितना मशहूर है, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का मुताला कितना मशहूर है, हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया की मशहूर और मकबूल शख्सियत हैं, फ़ज़ाइल आमाल के मुसन्निफ़, फरमाते हैं कि घरवाली जब तक थी तो उस वक्त तक खाने की फ़िक्र होती थी, खाने के वक्त बुला लिया करती थी, घरवाली के इंतकाल के बाद अब रात के वक्त में लिखने पढ़ने की मसरूफियत इतनी हो गई कि अब रात का खाना खाना भी याद नहीं रहा। बहन को पता चला कि भाई खाना नहीं खा रहा है, तो बहन आकर मेरे मुताले और लिखने की जगह बैठकर रोटी सालन में डुबोकर बहन मुझे अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाती थी और मैं अपने पढ़ने में मसरूफ़ रहता था। और ऐसा बास किताबों में लिखा है कि तकरीबन 30 साल तक चला कि बहन अपने हाथों से खाना खिला रही। और जब बहन का भी इंतकाल हो गया तो हज़रत शेखुल हदीस फरमाते हैं कि अब कोई रात के खाने का फ़िक्र और टेंशन ही नहीं रहा, कि ना कोई बुलाने वाला रहा, ना कोई खिलाने वाला रहा, तो मैंने भी रात का खाना खाना ही छोड़ दिया। ऐसी मेहनत से उन हजरात ने इल्म हासिल किया और इल्म का की इशात की, तो अल्लाह ने कितना बड़ा काम लिया। 50 साल तक बुखारी पढ़ाने का मौका, और फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब की शरह और जज़ुल मसालिक, इतनी बेहतरीन किताब के मालिकी उलमा तारीफ़ करते हैं, लिखने वाला मुसन्निफ शायद मालिकी मसलक का है, हालांकि हनफी मसलक का आदमी लिख रहा है। तो इल्म में तरक्की और दर्जात मेहनत से मिलते हैं, तकरार से मिलते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है, जब मदरसे में पढ़ते थे, यूपी की गर्मी और सर्दी कैसी रहती है, सर्दी भी नाकाबिले बर्दाश्त, गर्मी भी नाकाबिले बर्दाश्त। तो अब गर्मी के दिनों में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिहाफ ओढ़ कर मुताला करते थे ताकि पसीना निकलता रहेगा तो बेचैनी रहेगी, नींद नहीं आएगी और मुताला जारी रहेगा। और सर्दी के दिनों में बाज़ मरतबा पानी में खड़े होकर मुताला करते थे ताकि ठंडी और सर्दी की वजह से नींद ना आए। तो ऐसे अपने आप को नींद से बचाकर मुताले और पढ़ने में लगे रहते थे। और अगर यहाँ आते ही दरसगाह में ऊँगना शुरू कर दिए, आते ही सोना शुरू कर दिए, दसियों बार उस्ताद को मुअल्लिमा को खड़ा करना पड़ता है, तो मदरसा हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सोने के लिए नहीं आ रहे हैं। तिपाइयाँ जो रखी जाती हैं वो किताब रखने के लिए है, सर रखने के लिए नहीं है। तो हमें मेहनत और मुजाहदा करना चाहिए इल्म हासिल करने में। आप देखें, आप ही की उम्र की बच्चियाँ और लड़कियाँ कॉलेज पढ़कर वो डॉक्टर बन रही हैं, लायर बन रही हैं, और वो पायलट बन रही हैं, और हम यहाँ दरसगाहों में बैठकर अगर बेहतरीन मुअल्लिमा ना बन पाती हों, बेहतरीन हाफिज़ा ना बन पाती हों, बेहतरीन आलिमा ना बन पाती हों, हमारे लिए किस कदर अफसोस का मकाम है। चैलेंज का ज़माना है, जैसे वो असरी उलूम में आगे बढ़ रहे हैं, हमें दीनी उलूम में लोहा मनवाना चाहिए। इस्लाम पर जो एतराज़ात होते हैं, बिलखसूस ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक, मीरास में औरत को कम हिस्सा दिया जाता, पर्दा औरत के लिए कैद है, और औरत को मर्द के बराबर कंधे से कंधा मिला के चलने की आज़ादी नहीं दी जाती है, तलाक़ के मसले में औरत को इख्तियार नहीं दिया जाता है, जितने एतराज़ात होते हैं उन एतराज़ात का जवाब खुद मुसलमान औरत देने का वक्त आया है। मर्द अगर बोलेगा तो समाज ये समझेगा कि हम मर्दों ही से तो कह रहे हैं कि तुम लोग ज़ालिम हो, हक़ नहीं दे रहे हो। औरतें जब ये कहेंगी कि मैं स्कार्फ और बुरका पहनकर अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ,
मुझे कोई परेशानी नहीं है हिजाब में और बुरके में, वो अपने अमल से दिखाए, अपनी आवाज़ से बताए। और जब वो मीरास के मसाइल में, खुला तलाक के मसाइल में शरीयत के हिकमतों को ख़ुद औरत बयान करेगी, तब दूसरी औरतों को अक्ल आएगी कि हमारी ही तरह एक औरत है, लेकिन वो कितनी हिकमतों के साथ इन अहकाम को बयान कर रही है। उन हिकमतों को समझने का, उसे बयान करने का वक्त है। वो सलाहियत आप में पैदा होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।